रिवर क्रॉसिंग करने से पहले हमने लास्ट टाइम एक पॉइंट किया था कि अगर मान लो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना 4 मीटर्स पर सेकेंड, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मैन या बॉय मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3, तो एक्चुअल में बॉय सीधा जा रहा है, प्लेटफॉर्म राइट जा रहा है, तो ये बॉय आपको टेढ़ा ज़्यादा दिखाई देगा 2D में, क्योंकि इसकी मोशन वाई में भी है और प्लेटफॉर्म की वजह से एक्स में भी है। तो ऐसे केस में अगर इसकी वेलोसिटी 3 है, प्लेटफॉर्म की 4 है, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर आप इस बॉय की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू या नेट वेलोसिटी निकालना चाहते हो या ग्राउंड के हिसाब से निकालना चाहते हो, तो बॉय के वेलोसिटी वेक्टर में प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी वेक्टर ऐड कर दो। ये करवाया था, तो ऐड करने का मतलब वेक्टर सम ले लो। वेक्टर सम का मतलब अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसा हमने किया। सेम प्रॉब्लम अब रिवर क्रॉसिंग के अंदर हम करने वाले हैं। रिवर क्रॉसिंग के अंदर सबसे पहले एक टॉपिक है कि एक स्विमर है, एक स्विमर एक रिवर के अंदर जंप करता है और उसे रिवर को क्रॉस करना है। रिवर मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ UF, और ये स्विमर जो है जंप करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ VS। चाहता तो ये है कि ये स्विमर यहां से यहां लैंड कर जाए, पर हो नहीं पाएगा। अगर ये सीधा स्विम करेगा तो रिवर इसे राइट ले जाएगी और ये ड्रिफ्ट होता 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 सी पे जाके लैंड करेगा। चाहता ये बी पे है, पर होगा कहां पे जाके लैंड? सी पे। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन क्या आएंगे ये समझते हैं। अगर ये रिवर ना चलती तो ये मैन कहां लैंड करता? बी पे। अगर ये रिवर ना चलती तो मैन बी पे लैंड करता। तो मेरा एक क्वेश्चन है, कितनी वेलोसिटी से रिवर को ये स्विमर क्रॉस कर पा रहा है? अगर ये तैरना चाहता है, रिवर को क्रॉस करना चाहता है, आपके पास कुल मिला के 2 वेलोसिटीज हैं, एक स्विमर की और एक रिवर की। कौन सी वेलोसिटी इस स्विमर को रिवर क्रॉस करवा रही है? तो आंसर है VS। और कौन सी वेलोसिटी इसे ड्रिफ्ट करवा दी है, साइड पे लेके जा रही है? आंसर UF, क्योंकि जो रिवर है इस पे इसको राइट पे लेके जा रही है और स्विमर सीधा जाने के चक्कर में रिवर को क्रॉस कर पा रहा है। अब क्वेश्चन है कि अगर VS का मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये सब कुछ ग्राउंड पे नहीं हो रहा, चलती रिवर पे हो रहा है, तो वाटर के हिसाब से इसकी स्पीड कितनी है VS? तो क्वेश्चन आएगा नेट स्पीड कितनी है तैरते हुए इस स्विमर की? नेट स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड VS सीधा की तरफ है, राइट की तरफ कौन सा वेक्टर आएगा? UF। तो ये इसकी नेट स्पीड आएगी। और नेट स्पीड क्या होगी? हमने क्या किया था, अगर एक बॉय मूव करता है या स्विमर मूव करता है और रेफरेंस फ्रेम इसमें रिवर है, चलती रिवर में क्रॉस कर रहा है, तो क्या रूल बताया था कि नेट वेलोसिटी निकालने के लिए स्विमर की वेलोसिटी वेक्टर में से रिवर के वेलोसिटी वेक्टर को क्या कर दो? ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सेम जो प्लेटफॉर्म वाला प्रॉब्लम किया था सेम है। इसमें प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके अंदर रिवर है, तो इसके अंदर जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी वेक्टर में से रिवर की वेलोसिटी, रिवर का फ्लो है ये, एफ मीन्स फ्लो, तो रिवर के फ्लो का वेलोसिटी वेक्टर ऐड कर दो, तो नेट वेलोसिटी आएगी। तो नेट वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? अगर ये वेक्टर की वैल्यू VS है, ये वेक्टर की वैल्यू US है, तो बोलो पाइथागोरस से निकाल लो ना, तो क्या आएगा? VS स्क्वायर प्लस UF स्क्वायर। तो नेट वेलोसिटी स्विमर की तैरते हुए क्या आएगी? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? तो इस टाइप की प्रॉब्लम में सबसे पहले आपसे वो ये पूछेगा कि नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो आंसर क्या मार्क करना है? नेट वेलोसिटी वेक्टर सम होगा। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट वो क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा कि इसमें ड्रिफ्ट का डिस्टेंस क्या है। ड्रिफ्ट का मतलब है कि ये साइड पे होता गया स्विमर तैरता तैरता, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट, हो गया बह गया। तो ड्रिफ्ट, वो चाहता कहां पर लैंड करना था? बी, लेकिन वो लैंड कहां किया? सी। तो ड्रिफ्ट का डिस्टेंस कितना है? एक्स ऑफ डी। तो नदी के साथ जो बह गया, एक्स ऑफ डी इज ए ड्रिफ्ट का डिस्टेंस। कोई डाउट इसमें? तो ड्रिफ्ट का डिस्टेंस एक्स डी। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है यूएफ, रिवर का फ्लो
इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन क्रॉसिंग अ रिवर, मतलब रिवर को क्रॉस करने में यूएफ का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि यूएफ तो इसको बहा के लेके जा रहा है, इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो फ्लो करने में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? वीएस का। तो लिख दिया यूएफ इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन क्रॉसिंग अ रिवर, तो यूएफ वेलोसिटी से क्या हो रही है, ये स्विमर क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट होता जा रहा है, साइड में जाता जा रहा है। तो फिर वेलोसिटी कौन सी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है स्विम करने के लिए? आंसर है वीएस। वीएस वेलोसिटी से वो स्विम कर पा रहा है। और कौन सी वेलोसिटी उसे ड्रिफ्ट करवा रही है? तो आंसर क्या होगा इसमें? यूएफ। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन आएगा नेट वेलोसिटी पे, क्वेश्चन आएगा कितने समय में, टाइम में ये स्विमर यहां से यहां पहुंच गया, मतलब ऑपोजिट बैंक पे पहुंच गया। तो कितने समय में तैर के वो ऑपोजिट बैंक पे पहुंच गया? कहां पहुंच गया? सी पे पहुंच गया। टाइम बताओ। लेकिन आपको एसी डिस्टेंस नहीं देगा, आपको रिवर की विड्थ देगा। रिवर की विड्थ क्या है? डी। तो आपको डी देगा। तो आपने क्या करना है, क्योंकि डी डिस्टेंस है तो डी विड्थ ऑफ द रिवर है, और कौन सी वेलोसिटी कंट्रीब्यूट कर रही है स्विम करने के लिए? वीएस। यूएफ नहीं, यूएफ में कुछ नहीं हो रहा, वीएस। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, डिस्टेंस को स्पीड वीएस से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट मुझसे ये बोलते हैं, सर ये बड़ी अजीब सी बात है, जब वो यहाँ पे गया ही नहीं, ए से बी गया ही नहीं, तो आप ये समय क्यों निकाल रहे हैं? आपको तो ये समय निकालना चाहिए, राइट है, क्योंकि एक्चुअल तो ए सी पे गया है। हाँ, आप ऐसा निकाल लो। आप एक काम करो, अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस ए सी गिवन है, तो आप डिस्टेंस ए सी को नेट वेलोसिटी से डिवाइड कर देना। इस बार इसके अलॉन्ग क्या है? नेट वेलोसिटी। तो ये देखो, टाइम निकालने का दूसरा तरीका, डिस्टेंस ए सी को नेट वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो भी टाइम आ जाएगा। लेकिन मजे की बात ये है, चाहे आप टाइम ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि आप कहोगे सर डिस्टेंस तो चेंज हो गया, हाँ तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस चेंज हो गया, वेलोसिटी भी तो चेंज हो गई, तो रेशियो विल रिमेन सेम। अब ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन क्या है। अगर तो आपको ए सी गिवन है, फिर तो आप टाइम निकालने के लिए ए सी को नेट वेलोसिटी से डिवाइड कर देना। और अगर आपको डिस्टेंस डी गिवन है, फिर आप डी को वी एस से डिवाइड कर देना, सेम आंसर आएगा। तो टाइम टू क्रॉस आ गया, समझ में आ रहा है टाइम टू क्रॉस कैसे करना है। तो ये आपका पहला केस है जिसके अंदर ये स्विमर बिल्कुल सीधा जंप करेगा, लेकिन लैंड यहाँ पे करेगा। अगली चीज़ एक और पूछ सकता है, ड्रिफ्ट का डिस्टेंस बोलो कितने, कितने डिस्टेंस दूर जाके ये लैंड करेगा। तो अगर आपको एक्स ऑफ डी की वैल्यू बतानी है, तो आप एक काम करो, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, कौन सी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है ये स्विमर? यूएफ। यूएफ और कितने समय में हो रहा है? टी टाइम में हो रहा है। जब तक तैर रहा है तब तक हो रहा है, कब तक तैर रहा है? टी टाइम तक तैर रहा है। तो क्यों ना ऐसा करें, एक्स डी निकालने के लिए एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ फ्लो, क्योंकि यूएफ वेलोसिटी से ये जो है ड्रिफ्टिंग हो रही है, इस यूएफ को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, डिस्टेंस आ जाएगा एक्स का। अब टाइम तो आप निकाल चुके हैं, यूएफ आपको गिवन होगा, ड्रिफ्ट का डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है नेट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का डिस्टेंस, नेक्स्ट कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से स्विम हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम कितने समय में वो नदी को पार कर पा रहे हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये लॉजिक क्या है इसमें? ये केस नंबर वन है।